استغفر الله. आज के हमारे जुड़ने का मकसद और खुलासा यही है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मर्दों को दीन का जिम्मेदार बनाया है, इसी तरीके से मस्तूरात को भी दीन का जिम्मेदार बनाया है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने मर्दों को दीन की मेहनत का और दीन पर अमल करने का जिम्मेदार बनाया है, इसी तरीके से मस्तूरात को भी दीन की मेहनत का और दीन पर अमल करने का जिम्मेदार बनाया है। मकसद ये है कि हमारे घर के मर्द हजरात माशाल्लाह दीन की मेहनत कर रहे हैं, दीन पर अमल कर रहे हैं, वक्तन फौरतन अपनी जान माल के जरिए से अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे हैं। तो जिस तरह हमने उलमा इकराम से सुना, बड़ों से सुना कि मर्द का दीन घर की दहलीज करते हैं और मस्तूरात का दीन, अगर उसने अपने दीन पर मेहनत की तो उसकी मेहनत के जरिए से वो भी बनेगी और उसकी नस्लें भी बनेगी। तो हमारे बड़ों की तरह से माशाल्लाह पूरे आलम के अंदर मेहनत हो रही है, जमातों की नकल हरकत हो रही है, जमातें जा रही है, जमातें आ रही हैं। अब मर्द हजरात जो हैं हर महीने के अंदर तीन दिन अल्लाह के रास्ते के अंदर लगाते हैं, साल के अंदर जिला अल्लाह के रास्ते के अंदर लगाते हैं, अल्लाह तौफीक दे तो हिंदुस्तान से निकल कर बाहर ममालिक के अंदर भी वो वक्त लगाते हैं। हमारी मस्तूरात जो है ये इरादा करे, असाइन करें कि अपने मर्दों के साथ वक्तन फवक्तन तीन दिन के लिए, दस दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। मर्द हजरात दो मरतबा अपनी मस्जिदवार जमात के साथ, मर्द हजरात के साथ में अल्लाह के रास्ते में तीन दिन लगाएंगे और तीसरी मरतबा अपनी मस्तूरात को साथ में लेकर अल्लाह के रास्ते में तीन दिन लगाएंगे। हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में बहुत सारी मस्तूरात ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को दिल पर लिया और माशाल्लाह बहुत सारी मस्तूरात के तीन तीन दिन अल्लाह के रास्ते के अंदर लगे। इससे बढ़कर बहुत सारी मस्तूरात वो भी हैं जो इस मजमे के अंदर है जिन्होंने दिल पर लिया तो तीन दिन से आगे चलकर दस दिन उन्होंने अल्लाह के रास्ते के अंदर लगाए। और अभी करीब के अंदर माशाल्लाह हमारी जमात जो है मस्तूरात की चिल्ले के लिए अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा कर आए और अभी करीब के अंदर मस्तूरात के बाहर ममालिक के अंदर भी वक्त लगाए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो मस्तूरात बैठी हुई है वो इस बात का इरादा करे और अजम करे कि हमें भी अपने मर्द हजरात के साथ में अल्लाह के रास्ते में जिन मस्तूरात के अभी तक तीन दिन ही लगे हैं वो जल्द से जल्द अपने तीन दिन की तरकीब बनाए और जिन मस्तूरात के तीन दिन अल्लाह के रास्ते में लग चुके हैं वो मस्तूरात दस दिन का इरादा करें। लेकिन हमारी इस मस्जिद से भी मस्जिद नजीर से माशाल्लाह इस जुमा के दिन तीन दिन की जमात मस्तूरात की रवाना हो रही है। अब हमारा अब मस्तूरात से यही जो है उम्मीद है कि इसी जुमा के दिन अपनी तरकीब बनावे और अल्लाह के रास्ते के अंदर तीन दिन के अपने आप को निकाले। ये कब होगा कि हम घरों पर जाकर मर्द हजरात से इस बात का मशवरा करेंगे। देखो आप मस्तूरात को माशाल्लाह हर वक्त इरादा करते रहते हैं लेकिन मर्द हजरात जो है जल्दी उनको ले कर जो है तैयार नहीं होते, ले जाने के लिए उनको तैयार नहीं होते। हमारी तरकीब मर्द हजरात से भी यही होती है कि अपनी मस्तूरात समेत अल्लाह के रास्ते में लिखने, इसे अपने घरों पर जाकर मशवरा करें। जो मस्तूरात अभी बैठ कर इरादा कर रही है कि हमें जल्द से जल्द तीन दिन अल्लाह के रास्ते में लगाने, वो मस्तूरात जो है पर्ची के अंदर नाम लेकर मस्जिद के अंदर पहुँचा रहे ताकि हम भी जो है मुलाकात करें मर्द हजरात की। तो इसके जरिए से जल्द तीन दिन की दस दिन की तरकीब बने। देखो माशाल्लाह अभी दुआ होगी और दुआ के बाद कुछ देर बैठे, अभी 5:30 का अजान का वक्त है, उससे पहले पहले हम नाम लिखें और उन नामों की पर्ची अभी या तो फिर रात को मस्जिद वाले जमात के साथियों तक पहुँचा दें। अल्लाह ताला आपकी तौफीक अता फरमाए।